नमस्कार मेरे दोस्तों दोस्तों आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन की। दोस्तों, काल चक्र की कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सभी ग्रह किसी न किसी राशि के स्वामी होते हैं, जबकि कुछ ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं। हालांकि राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, किंतु ये दोनों छाया ग्रह होने के कारण साए की तरह अपना प्रभाव डालते हैं। अन्य ग्रहों की तरह राहु का भी गोचर होता है। हालांकि ये दोनों ग्रह सदैव वक्री चाल चलते हैं और इसी के तहत 7 मार्च 2019 को रात 2:48 पर राहु मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह सभी राशियों के जातकों को प्रभावित करने वाला। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह का नाम दिया गया है। भौतिक रूप से कोई अस्तित्व न होने के बावजूद यह अन्य ग्रहों से ज्यादा जातक को प्रभावित करता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय साथ रहता है और अपनी दशा आने पर यह जातक पर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। यह आकस्मिक परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है, जिसके चलते ही जातक के जीवन और जीवन शैली में तब्दीलियां आने लगती हैं। दोस्तों, ज्योतिष से संबंधित उपाय या किसी भी प्रकार की जानकारी मुफ्त में प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल डेली आज तक न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्र को भी शेयर करें और लाइक करें। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार राहु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेष राशि। राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव होगा, जो पराक्रम के साथ साथ सहजता को दर्शाता है। राहु के तीसरे भाव में स्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ समय है। लंबी दूरी की बजाय छोटी दूरी की यात्रा आपको सुखद परिणाम देगी। आपका साहस और मनोबल मजबूत होगा। करियर में भी प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ साथ आप विदेश यात्रा की योजना भी साकार कर सकते हैं। वृषभ राशि। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में होगा, जो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। आपको धन हानि की प्रबल संभावना है। कोई गलत फहमी घर के माहौल को बिगाड़ सकती है। पहले से ही सावधान रहें। गोचर के दौरान आपके व्यय बढ़ेंगे और साथ ही तनाव भी होगा। आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान देना होगा। गोचर की पूरी अवधि में लोन लेने से बचे और ना ही किसी को उधार दें। मिथुन राशि। राहु का यह गोचर कुंडली के पहले भाव में होने जा रहा है, जिसे लगन यानी कि शरीर कहा जाता है। इस दौरान आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी पुनः आपको घेर सकती है। बौद्धिक रूप से यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। राहु के प्रभाव के कारण आप दूसरों पर शासन करने की भी कोशिश करेंगे, जो आपकी छवि को नकारात्मक बना सकता है। कर्क राशि। राहु का गोचर आपकी राशि के 12वें भाव में होने जा रहा है, जो खर्च को दर्शाता है। गोचर की अवधि में आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। किसी विदेश यात्रा पर भी जाने का विचार बना सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है या सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सिंह राशि। राहु का गोचर आपकी राशि के 11वें भाव में होने जा रहा है। यह इनकम और लाभ का भाव होता है। इस दौरान आप कुछ सुखद परिणाम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप संतान की तरफ से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, वहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का आपको मौका मिलेगा। सावधान रहें, कोशिश करें आपका रिश्ता उनके साथ बेहतर बना रहे। कन्या राशि। राहु का ये गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कर्म और पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। आपके धन की भी बचत होगी और विभिन्न सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी। आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। ऑफिस में कार्य की अधिकता रह सकती है, जिसके कारण आप निजी जीवन के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे। तुला राशि। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में होगा। ये भाव धर्म और भाग्य का सूचक है। इस भाव में राहु की स्थिति आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके भाग्य का सितारा नहीं चमक पाएगा और आपको आशा के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे।
धन की लेन देन में भी कुछ नुकसान हो सकता है राहु, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा। आपके पिताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है। वृश्चिक राशि, राहु का गोचर आपकी कुंडली के आठवें भाव में होगा जो कि आयु को दर्शाता है। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। तेज गति से वाहन ना चलाएं, किसी दुर्घटना की संभावना है, इसलिए सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें। इस दौरान आपकी आय कम रहेगी और खर्च बढ़ता जाएगा। पारिवारिक जीवन में अपने लोगों का रूखा व्यवहार आपको तनाव में डाल सकता है। आपको अपने दोस्तों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। धनु राशि, राहु का गोचर आपकी कुंडली के सातवें भाव में होने जा रहा है जो कि आपकी कुंडली का विवाह संबंधी भाव है। यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है क्योंकि इस दौरान जीवन साथी के साथ रिश्तों में खटास आने की संभावना है। इस परिस्थिति से बचने के लिए लाइफ पार्टनर पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका मतभेद हो सकता है और कार्य में भी बाधाएं नजर आ रही हैं। पारिवारिक जीवन में धन अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। मकर राशि, राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेगा। ये भाव रोग, भय और क्षति का होता है। राहु के इस भाव में होना आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। करियर में आपको विभिन्न तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आपने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया है तो आपका लोन पास हो जाएगा। पुरानी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में प्रबल सफलता मिलने के योग है। कानूनी मामलों में भी आप सफल रहेंगे। कुंभ राशि, राहु आपकी कुंडली के पांचवें भाव में गोचर करेगा जो संतान और बुद्धि का भाव होता है। इस दौरान आपको आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। पैसों के लेन देन अथवा निवेश बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। प्रेम जीवन में प्रियतम के साथ विवाद हो सकता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें पूरा समय देने की कोशिश करें। परीक्षा में सफलता पाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मीन राशि, राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में होने जा रहा है जो सुख और वृद्धि का कारक है। राहु के इस भाव में होना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में राहु का प्रभाव आपकी माताजी के स्वास्थ्य को कमजोर बना सकता है। अनेक चुनौतियों और परेशानियों के कारण आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है। किसी चीज पर ध्यान लगाने में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी की अपेक्षा खर्चा अधिक रहेगा। धन का प्रयोग सोच समझ कर करें।